एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 TGT एंड PGT की वैकेंसी आई है। सैलरी की यदि हम बात करें तो 58,000 पर मंथ सैलरी इसमें रखी गई है। आयु 21 से लेकर 40 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई है। कैसे आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है, TGT के लिए अलग है, PGT के लिए अलग है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से जो है समझिएगा यदि आपका सब्जेक्ट है और आप आवेदन करने के इच्छुक हैं। सबसे पहले जो है PGT बायोलॉजी की एक वैकेंसी है और जो कि OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। इसमें 58,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, 21 से 40 वर्ष उम्र, और इसमें जो है आपने मास्टर डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, तो आपने जो है इनमें से एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो 50% मार्क्स के साथ में, और बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बीएड भी जो है आपके पास होना जरूरी है। दूसरा जो देखें आप, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी एक वैकेंसी है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है वैकेंसी आई हुई है। पहले जो है हमेशा परमानेंट वैकेंसी आती थी सैनिक स्कूल से, बट इस बार से जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही जो है आ रही है। 54,500 सैलरी जो है इसमें रहेगी TGT सोशल साइंस में, 21 से 35 वर्ष उम्र है, और ये भी जो है एक वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो TGT सोशल साइंस में BA BEd सोशल साइंस में होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स के साथ में BEd होना चाहिए, और सी टेट या फिर किसी भी राज्य का टेट, ठीक है, इसमें सी टेट ही जो है जरूरी, ऐसा तो नहीं लिखा है, पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेट, टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देती हूँ। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से वैकेंसी है, इसमें जो है सबसे ऊपर आपको देखेगा रिक्रूटमेंट, इस पर जो है आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट जो PDF फाइल आपको मिलेगी, इसमें विज्ञापन आप देख सकेंगे डिटेल में, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म PGT बायोलॉजी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इस PDF फाइल को ओपन कर लेंगे और डाउनलोड करके फिल करना है। उसके बाद जो है अगर सोशल साइंस TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है PGT बायोलॉजी के कैंडिडेट के लिए। कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लेंगे अभी। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म TGT सोशल साइंस का, ठीक है, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू रहेगा। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो 400 रुपीज का जो है बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, 400 रुपए का। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के नाम से, ठीक है, इसमें लिखा है कि जो SC कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट जो है उनकी कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, SC एंड वुमेन कैंडिडेट की। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल करना है, और जो भी कैंडिडेट SC या वुमेन कैंडिडेट नहीं है उनको 400 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो है बनाना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जो है उसमें लगानी है और इस एड्रेस पर भेज देनी है। ये एड्रेस है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा 751005, ये पूरा एड्रेस रहा। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर है नीचे। लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई 2024 है, थंबनेल में मैंने लिख दिया था, ठीक है। और बाकी जो है सैनिक स्कूल आपको पता है कि रेजिडेंशियल स्कूल रहता है, आवासीय विद्यालय रहता है, और भी जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे फ्री फूड है, जो भी यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, रहना है, खाना है, ये सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं। तो यदि आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और सोशल साइंस TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन भी जो है आपका यहाँ पर हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।